अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। अनुपम फ्रॉम पुणे, नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग, मेरे को दो सेट से इन्फॉर्मेशन चाहिए। yeah. एक मेरे पास स्नोमैन लॉजिस्टिक्स है 91 रुपीज पे 500 से, और सेकंड वन एफएस है मेरे पास 82 रुपीज पे 700 से। ओके, आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? एक्चुअली मेरे को कितने, मैं 3-4 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ, तो श्योर आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट पंकज, दो स्टॉक्स पर आपको इनकी राय चाहिए, और यहाँ पे इनफैक्ट 73 और लेवल्स पर स्नोमैन लॉजिस्टिक्स उन्होंने परचेस किए हुए हैं। 91 odd levels पर, 73 is the current market price, and second stock is Aptec, 82 odd levels पर उनकी परचेस प्राइस है। आपकी क्या व्यू है दोनों स्टॉक्स पर? देखो, ऑफ द टू आई थिंक आई वुड बी मोर कंफर्टेबल विद एप्टेक। अगर मेरे को 1 से 3 महीने का या 1 से 6 महीने का नज़रिया लेके चलना हो, तो आई थिंक एप्टेक की जिस तरह से परफॉर्मेंस रही और जिस तरह से एक अपेक्षित परफॉर्मेंस हैगी, आई थिंक स्टॉक शुड डू वेल, एंड फ्रॉम करंट लेवल स्टॉक इज ईजिली कैपेबल ऑफ गिविंग अबाउट से 15-20% रिटर्न फ्रॉम करंट लेवल। जहाँ तक स्नोमैन की बात है, स्टॉक अच्छा है, बट आई थिंक डिसेंटली प्राइज्ड है। जो एक GST का इफेक्ट था, हमने देखा पिछले 1 महीने में से आ चुका है, और अब ये सारे जितने भी GST लॉजिस्टिक वाले स्टॉक थे, चाहे वो घटी हो, चाहे स्नोमैन हो, अलकार्गो लॉजिस्टिक्स हो, कॉनकॉर हो, आई थिंक ऑन अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन दे मे सी दैट प्रॉफिट बुकिंग विच इज़ ऑलरेडी ऑन कंटिन्यू टू हैपन। और स्नोमैन में हम देखें एक रेफ्रिजरेशन लॉजिस्टिक ये प्रोवाइड करता है, अच्छी कंपनी है। अगर नज़रिया मेरा 1 साल प्लस होगा तो मैं स्नोमैन में बना रहूँगा, अगर नज़रिया मेरा 1 से 2 महीने 3 महीने है, सो बीच बीच में राइज करता रहता है, एनी लेवल्स क्लोजर टू 80-85 आई थिंक आई वुड क्विट स्नोमैन। तो स्नोमैन आप सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी बना के रखिए, एप्टेक में आप अपनी स्ट्रैटेजी एक होल्ड करके स्ट्रैटेजी बना के रखिए, तो मेरे को लगता है कि दोनों स्टॉक में आप एक डिसेंट आपको पैटर्न मिल पाएंगे। स्टे विद एप्टेक, क्विट स्नोमैन ऑन राइज। ऑलराइट, तो एट दिस पॉइंट स्नोमैन से आप निकल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी लॉजिस्टिक शेयरों में देखी गई है। इनफैक्ट एक नतीजे आए सुंदरम फास्टनर्स के, उस पर भी नज़र डालते हैं। स्टॉक में एक स्पाइक इस वक्त देखा जा रहा है, लगभग 12.5% ये स्टॉक ऊपर है 213 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए। मुनाफे में एक सब्सटैंशियल जंप देखा है, 96% का जंप है, 38 करोड़ से मुनाफा 75 करोड़ से ज़्यादा हो गया है इस क्वार्टर में। साथ ही अगर कंपनी की हम एबिटा की बात करें, यहाँ पर भी 41% से ज़्यादा का जंप देखने को मिला, 89 करोड़ से एबिटा 126 करोड़ रुपये रहा है। साथ ही कंपनी की अगर बिक्री की बात करें, तो 622 करोड़ से बिक्री जंप होने के बाद 702 करोड़ इस क्वार्टर में इस बार रिपोर्ट हुई है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस। सेल्स नंबर्स पे भी देखें तो 13% का जंप यहां पर देखने को मिला है। इनफैक्ट आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी राजेश, अगर इसका आप चार्ट देख रहे हैं, सुंदरम फास्ट एक स्पाइक रिजल्ट्स के बाद दिख रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग यू नो वॉल्यूम्स के साथ इस वक्त इसमें बाइंग देखी जा सकती है, इन लेवल्स पर अगर एंट्री लेनी हो तो क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, पोस्ट रिजल्ट जनरली अगर नंबर्स अच्छे तो उसका एक बेनिफिट काउंटर पे हमेशा दिखता है, लेकिन व्हाट वी गाइज रिक्वायर्ड इज स्टेबिलिटी, एक थोड़ा स्टेबिलिटी मिले तो यहाँ पे काम हो सकता है। देखिए, यहाँ पे टेक्निकली देखें तो 220 के ऊपर फिलहाल मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए, कि दैट इज़ वो उसका पहले वाला हाई है, दैट इज़ 52 वीक हाई के आसपास है, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द टाइम एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अगर करेक्शन मिले तो डेफिनेटली वी कैन थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, तो एट दिस पॉइंट जिन्होंने ऑलरेडी बने हुए हैं उनको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मुकेश भाई हैं, सूरत से जुड़े हैं। नमस्कार मुकेश, बताइए क्या सवाल है आपका? मुकेश, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर सकते हैं, फिर सवाल पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। हेलो जी मुकेश, नमस्कार। मैम, मैंने विप्रो का 1000 शेयर लिया हुआ है 552 पे। ओके, और 3 या 6 महीने तक रुक सकता हूँ मैं। ऑलराइट, विप्रो की बात कर रहे हैं, इनका जो खरीद प्राइस है वो 552 के आसपास है, और फिलहाल जो ट्रेड हो रहा है लगभग 547 के लेवल्स पे हो रहा है, हल्का नुकसान ये झेल रहे हैं, क्वांटिटी इनके पास 1000 शेयर्स की है। पंकज, आपकी सलाह क्या रहेगी विप्रो को लेकर? इन्होंने जैसे बताया जो नजरिया है वो 3-6 मंथ्स का है। देखो, विप्रो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक तो नहीं रहेगा, अगर मेरा नज़रिया 1 साल से 1.5 साल हो, आई एम प्रीटी श्योर फ्रॉम करंट लेवल्स विप्रो कैन डिलीवर रिटर्न ऑफ क्लोजर टू 15% प्लस काइंड ऑफ थिंग।
अगले कुछ एक महीनों में मेरे को लगता है कि चैलेंजेस बरकरार रहेंगे, जिस तरह के रिजल्ट आए थे, चाहे वो विप्रो के हों, टीसीएस के हों, इन्फोसिस के हों, चैलेंजेस भरे हुए थे उन रिजल्ट में। मैनेजमेंट कमेंट्री भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट जिस तरह के विप्रो में हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट में कदम उठ रहे हैं, जिस तरह के उनकी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज हैं, सो आई एम प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंपनी ऑन अ वन ईयर काइंड ऑफ बेसिस। बट करंट अगर हम एक दो तीन महीने की बात करें, आई थिंक स्टॉक में हॉवर समवेयर बिटवीन से 540 एंड 570 काइंड ऑफ थिंग। रिजल्ट्स के बाद हमने देखा था 570 से स्टॉक गिर के 540 भी आया था, तो ऑन अ लोअर साइड मेरे को नहीं लगता विप्रो 10-12 रुपए से ज़्यादा नीचे गिरेगा अगर मार्केट स्टेबल रहती है, विच आई बिलीव मार्केट शुड रिमेन। एंड ऑन द अपर साइड मेरे को लगता है 570-75 पे दबाव मिलता रहेगा अगले 2-4 महीने में। और यही नज़रिया अगर मेरा एक साल का नज़रिया हो, मेरे को लगता है विप्रो प्रिटी श्योरली इट इज़ कैपेबल ऑफ स्केलिंग टू लेवल्स क्लोजर टू से 610-615 काइंड ऑफ थिंग। सो अगर आपका 1-3 महीने नज़रिया है, 565-570 पे क्विट करिए। अगर आप इस नज़रिए को एक साल कर सकते हैं, आप बने रहिए, 600 प्लस का टारगेट ज़रूर आपको विप्रो में देखने को मिलेगा। श्योर, अगले कॉलर इनफैक्ट शरेंद्र सिंह ने लखनऊ से हमें मैसेज किया है। वक्रंगी सॉफ्टवेयर पर उनका सवाल है। राजेश, 100 और शेयर 187 रुपीज़ पर उनकी परचेज प्राइस है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में वक्रंगी सॉफ्टवेयर का चार्ट्स कितना अट्रैक्टिव है और यहाँ से कौन कौन से लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा चार्ट है। इनफैक्ट 210 से लेके हमने इसमें करेक्शन देखा और इसका जो 200 डीएमए लेवल है, दैट इज़ समवेयर नियर 185। तो 185 भी हिट किया है और इनफैक्ट 185 पे सस्टेन हो रहा है। सो मुझे लगता है कि इसका जो एक फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन है वो ओवर हो चुका है और इसका जो वीकली चार्ट है वो यही बताता है कि इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड होगा। हालांकि आईटी एक इसमें एक थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू जो सामने आता है कि ओवरऑल आईटी पैक जो है वो सब्ड्यूड है। तो आई रियली डोंट नो, मे बी यू कैन टेक फंडामेंटल कमेंट्स फ्रॉम द गेस्ट, लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि इसमें एंट्री करना चाहिए। 180 का स्टॉप लॉस है और इसका जो टारगेट रहेगा रफली वो 210 तक का रहेगा। ऑलराइट, 210 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं।